दिखाऊंगा। तो आइए, बहुत ही कमाल का होगा इस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। नंबर 5, ट्रेडवर्ड्स। दोस्तों, ट्रेडवर्ड्स का वैज्ञानिक नाम अरेक्स है। ये पक्षी आमतौर पर दक्षिण अमेरिका में पाए जाते थे। ये पक्षी बहुत ही विशाल हुआ करते थे। ये पक्षी मांसाहारी हुआ करते थे और बड़े बड़े जानवर को भी मारकर खाया करते। ये पक्षी तुमाइक एरा यानी आज से 6 करोड़ से लेकर 18 लाख साल पहले पाए जाते थे। आमतौर पर इनकी ऊंचाई 3 फीट 3 इंच से लेकर 9 से 10 फीट तक हुआ करती थी। इन पक्षियों की आज की प्रजातियां काफ़ी छोटी हैं, जिनकी ऊंचाई केवल 80 सेमी तक है। और आज से 26 लाख साल पहले ये पक्षी प्रवास करके उत्तर अमेरिका गए थे। जब धरती पर सबसे पहले इंसान आए थे तब ये पक्षी पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। ये पक्षी लगभग 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते थे। उनकी खोपड़ी काफ़ी बड़ी हुआ करती थी और इनकी चोंच बहुत ही खतरनाक और नुकीली हुआ करती थी, जिससे किसी का भी खत्मा कर सकते थे। तब के ज़माने के बाघ को भी मार लगे। तो ये दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक पक्षी हुआ करती थी। नंबर 4, दोस्तों, ये जानवर कैप्रोसोचूस कुछ इस प्रकार के नाम है। इनका ऊपरी भाग यानी इनका सर मगरमच्छ के सिर की तरह दिखता था और नीचे का हिस्सा किसी डायनासोर की तरह दिखता था। इसका नाम कैप्रोसोचूस है। आप इसे मगरमच्छ और डायनासोर का बच्चा कहा सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक जानवर था। ये लगभग 20 फीट जितने लंबे हुआ करते थे। इनकी खोपड़ी का ऊपरी भाग लगभग 500 मिलीमीटर और निचला भाग लगभग 600 मिलीमीटर हुआ करता था। ये लगभग 10 करोड़ से लेकर 9 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। ये केंद्रीय अफ्रीका में रहते थे। अगर आप इनके सामने जाते हो तो आपका बचना। मात्रा ज्यादा होने के कारण इनका आकार और भी बढ़ सकता था। इनका शरीर 30 जुड़ी हुई प्लेट्स की जोड़ी और 30 प्लेट्स जो बीच में हुआ करती थी उनसे बना था। ये प्लेट उनके पैरों से 4 गुना बड़ी हुआ करती थी। नंबर 2, हास्ट एगल। तो दोस्तों, ये अब तक के देखे गए सबसे बड़े गरुड़ पक्षी यानी एगल हुआ करते थे। और सबसे कमाल की बात ये है कि ये सिर्फ 600 साल पहले ही विलुप्त हो गए थे। ये बहुत ही बड़े और खतरनाक पक्षी हुआ करते थे। ये दक्षिणी न्यूजीलैंड में पाए जाते थे। इनका आकार इसलिए बड़ा हुआ था क्योंकि उनका शिकार बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसका नाम था मोआ, और उसका वजन 230 किलो तक हुआ करता था। इसलिए ये इतनी बड़ी हो सके। और इनका शिकार विलुप्त होने के कारण ये भी विलुप्त हो गए। इनका वजन 9 से 25 किलोमीटर हुआ करता था, लेकिन ये अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा सकते थे। इनके पंजे बहुत विशाल हुआ करते थे और इनके पंखों चौड़ा पर लगभग 8 से 9 फीट हुआ करता था। लास्ट में नंबर 1, मोसासॉर्स। तो दोस्तों, मोसासॉर्स एक मांसाहारी और समुद्री जीव है। ये जानवर आज से 7 करोड़ से लेकर 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। ये जानवर उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान और न्यूजीलैंड के समुद्र हेंडो के आसपास पाए गए। यहाँ अपने से छोटे जानवरों को खाकर बहुत बड़े हो जाते थे। ये 40 से लेकर 50 फीट तक लंबे हो सकते थे और इनका वजन 1,000 से लेकर 2,000 किलो तक हुआ करता था। ये बहुत ही तेजी से तैर सकते थे और छोटे जानवरों को पकड़ते थे। इनकी कंकाल की खोज 1764 में हुई थी। इनकी व्हाइट फोर्स यानी काटने का बल 1,100 पाउंड प्रति इंच हुआ करता था। इनकी जेबरे की जोर पर यहाँ बल 80,000 पाउंड प्रति इंच हुआ करता था, जो कि अब तक देखा गया किसी भी जीव में सबसे ज़्यादा है। तो ये बहुत ही खतरनाक जानवर हुआ करते थे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।